जहाज से उड़ते हुए देखा हूँ। वो जहाज दिखने में तो बहुत ही अच्छा था। उस जहाज को चलाने में बहुत ही मजा आता होगा। मैं एक काम करती हूँ, टिटू और टोनी का जहाज चुरा कर ले आती हूँ। वो दोनों भाई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं हूँ बहुत शक्तिशाली चुड़ैल। लगता है टीटू और टोनी घर के अंदर खेल रहा है। तब तक मैं उसका जहाज उड़ाकर भाग जाती हूँ। टिट्टू भाई, चुड़ैल अपना जहाज लेकर भाग रही है। टिट्टू भाई, मैं बोला था कि जहाज को घर के अंदर रखो। यदि मेरा बात मानता तो आज जहाज को चुड़ैल लेकर नहीं भाग पाती। चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि वो मेरा जहाज चुरा कर भाग गई। आज मैं चुड़ैल का हाथ और पैर तोड़ दूंगा। चलो टोनी भाई। टिट्टू भाई, मुझे उस चुड़ैल के पास जाने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उस चुड़ैल को 3 खोपड़ी है। एक काम करता हूँ टोनी, बंदर भाई को फोन करके बुला लेता हूँ। हेलो बंदर भाई। हाँ टिट्टू भाई, बोलो। बंदर भाई, मेरा जहाज चुड़ैल चुरा कर भाग गई है। जहाज को लाने के लिए जाना है, तुम अपना गाड़ी लेकर आओ। ठीक है टिट्टू भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना तरबूज वाला गाड़ी से तुरंत आता हूँ। आओ टिट्टू और टोनी भाई, तुम दोनों मेरे गाड़ी पर बैठ जाओ। साला उस चुड़ैल ने मेरे दोस्त टिट्टू और टोनी का जहाज चुरा कर भाग गई। आज उस चुड़ैल का खोपड़ी फोड़ दूंगा। सारे दुश्मन एक साथ आ गया, आज तो बहुत मजा आएगा। आज मैं तुम सबको एक एक करके खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल आंटी, ये जहाज मेरा है, तुम ये जहाज मुझे वापस दे दो। मैं ये जहाज तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इस जहाज के बदले ये तरबूज वाला गाड़ी मुझे देना पड़ेगा, क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है चुड़ैल आंटी, आप तरबूज वाला गाड़ी ले लो, लेकिन मेरा दोस्त का जहाज वापस दे दो। कितना सुंदर गाड़ी है, आज तो गाड़ी चलाने में बहुत मजा आएगा। टिट्टू भाई, तुम ये बड़ा वाला पत्थर लेकर जहाज में बैठ जाओ। टिट्टू भाई, अब पत्थर को चुड़ैल के खोपड़ी पर ही गिरा दो। ठीक है, ये लो।